अभी रुद्राक्ष की एक क्लास है, उससे पहले मैं कुछ और शांति विधान आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो नॉर्मली हम लोग अपने आसपास देखते हैं। तो उसमें मैत्रेय जी ने महर्षि पाराशर से पूछा कि कुछ और विधान बताइए, इतने सारे शांति विधान आपने बताए। तो वो कहते हैं कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में जन्म हो, या बच्चे का और पिता का एक ही नक्षत्र में जन्म हो, या अमावस्या का जन्म हो, या कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का जन्म हो, तो ऐसे केस में भी बहुत ज्यादा हानि होती है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है और मृत्यु तक हो जाती है। या त्रितर जन्म हो, त्रितर जन्म का मतलब होता है कि तीन लड़की के बाद एक लड़का हो, या तीन लड़के के बाद एक लड़की हो, तो वो भी एक त्रितर जन्म कहा जाता है। आज की डेट में तो इतना नस्ल महत्व नहीं रखता आज की परिस्थिति में, पहले जमाने में जब बच्चे ज्यादा हुआ करते थे तब थोड़ा इस चीज का महत्व रखता था। तो वो उन्होंने कहा है कि उसके शांति विधान बताता हूं कि क्या शांति विधान। सर मूल नक्षत्र में होगा तब भी कुछ होता है ना, हाँ, मूल कुछ नक्षत्र में होता है तब भी पूजा होती है। हाँ, वो भी आएगा वो भी आएगा। अच्छा, अब अमावस्या के दिन अगर बच्चा पैदा हो, अमावस्या के दिन जो होता है बच्चा अगर पैदा होता है तो जातक अपने माता पिता को दरिद्र बनाता है, ऐसा कहते हैं कि जातक के माता पिता में, मतलब जातक के माता पिता को लॉस होता है। एक सेकेंड जरा होल्ड कीजिएगा। मैं तो अमावस्या के दिन अगर बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कि जातक अपने माता पिता को दरिद्र बनाता है, माता पिता को दरिद्रता आती है, स्वास्थ्य के रूप में भी आती है, धन के रूप में भी आती है। तो इसके लिए उन्होंने बताया है कि विधि पूर्वक कलश स्थापन कर, कलश मतलब जो घड़ा होता है उसको स्थापन करके उसमें गूलर वट पीपल आम तथा नीम के पत्ते साथ ही जड़ छाल एवं पंचरत्न रखकर उसे दो वस्त्रों से लपेट कर और उसको उसकी पूजा करें अगर, तो बिल्कुल अमावस्या का दोष खत्म हो जाता है। किसी भी योग्य ब्राह्मण से कराएं ये वाली पूजा। तो आपको मैंने इसमें इसलिए लिख दिया है इसके बारे में कि ये सामग्री है, गूलर है, वट है, पीपल है, आम है, नीम के पत्ते हैं, जड़ है, छाल है, ताकि किसी भी योग्य ब्राह्मण से अगर आप ऐसी कोई शांति कराते हैं या किसी को बताते हैं तो उसको भी आइडिया दे दें, ताकि वो देख सके कि हाँ जो ब्राह्मण है वो इस तरह की पूजा कर रहा है या नहीं कर रहा है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जब आती है तो उस केस में भी ध्यान रखना होता है कि संतान पैदा होने वाले पे भी दोष लगता है। अब वो कैसे दोष लगता है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के 6 भाव कर लीजिए आप, 24 घंटे की एक तिथि होती है उसके 6 भाव कर लीजिए। जो प्रथम भाग होता है सूर्योदय से पहला भाग, वो शुभ होता है। द्वितीय भाग और तृतीय भाग में पिता माता की मृत्यु होती है, मृत्यु तो नहीं ये कह सकते हैं लेकिन पिता माता को कष्ट होता है। चौथे भाग में मामा का अनिष्ट होता है, पंचम भाग में अपने कुल का नाश होता है, और छठे भाग में धन नाश या स्वयं का नाश होता है, स्वयं की हानि होती है, स्वयं को हेल्थ खराब रहती है, स्वयं परेशान रहते हैं। तो इसके सामनाथ के लिए भी शांति पूजन करना चाहिए। इसका मैंने ढूंढने की कोशिश की कि क्या सामग्री है, मुझे मिल नहीं पाई। श्रीकांत जी आ जाएंगे तो उनसे एक बार पूछ लेंगे कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के लिए कि जो शांति है उसमें क्या चीज करनी चाहिए, लेकिन ये पूजा जरूर करनी चाहिए। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आप देख लो, जब बच्चा कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पैदा हो तो शांति जरूर करवाओ उसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से दूसरे तीसरे चौथे पांचवें या छठे भाग में वो हो। सर नमस्ते, सर आकांक्षा बोल रही हूँ। हाँ आकांक्षा, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। अरे सर मत पूछिए, इंडिया ट्रेवल चल रहा है। बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, वो हफ्ते भर हॉस्पिटलाइज था, अरे अब काफी ठीक है, सीवियर टमी इन्फेक्शन है। हाँ ठीक है, लेकिन अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन है, काफी रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे चल रहा है वो, ओहो और चलो उसको भूख काफी लग रही है, तो उसको तुरंत तुरंत फ्रेश खाना बना के देना है। मतलब सर डॉक्टर ने ये बोला है कि आप रुकिए मत, तुरंत फ्रेश बना के दीजिए। अच्छा, हाँ तो काफी बिजी चल रहा है इस समय मेरा, चलिए चलिए ध्यान क्या रखिए, बच्चे का करें। बहुत जरूरी है। जी जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे, ये जो अमावस्या वाला आपने बताया, मैं क्या ये कुछ ऐसा भी होता है ना, 27th डे पे पूजा वूजा भी होती है कोई? वैसे तो 27 दिन का वो होता है कि 27 दिन में जब वही नक्षत्र आए जिस नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है जी तो तब पूजा करा लेनी चाहिए दस जी अमावस्या पे। जी श्रीकांत जी है हमारे बीच में, नहीं अभी तक नहीं है, अभी आए नहीं है, ठीक नहीं है। उनका आ तो गए हैं, दिख तो रहा है उनका वीडियो, फिर लेकिन पूजा शायद है होगी। नहीं।
अच्छा अच्छा बैठते हैं। रूट है सर। पूजा पूजा बैठे हैं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 27 दिन का होता है कि जी जिस नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है, 27वें दिन जब उसी नक्षत्र में नक्षत्र को आता है वो, तो उस वक्त वो पूजा करानी चाहिए जी अमावस्या की। ऐसी कृष्ण पक्ष की पूजा है, ये भी मूल की पूजा भी 27 दिन में कराई जाती है, जो मूल नक्षत्र होते हैं उनकी पूजा भी 27 दिन में ही कराई जाती है। तो हाँ। ये इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो सर मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ, जैसे मेरे बेटे का था तो जब वो पैदा हुआ तो ऑब्वियसली उस समय अगर आप उसका चार्ट देखेंगे तो राहु केतु एक्सिस में सूर्य चंद्रमा दोनों थे, लेकिन उसका जो नक्षत्र आया वो रेवती आया और शुक्ल पक्ष में हुआ। लेकिन हाँ उसके जन्म के 1-2 दिन पहले शायद अमावस्या थी और उसकी 27th डे पूजा भी हुई। अच्छा, तो वो क्या अमावस्या की पूजा कराई थी क्या? अब ये सर इतना उस समय तो मुझे ये पता नहीं था, लेकिन 27th डे पे पूजा हुई थी और फादर को मना किया गया था कि आप जो है बच्चे को 27 डेज बाद ही देखेंगे। नहीं, रेवती नक्षत्र तो बुध का और केतु का नहीं है। हाँ, हाँ वो तो केतु का मूल नक्षत्र तो वो हुआ नहीं। केतु और बुध के नक्षत्र ही होते हैं वो वाले, तो जी या जी तो नहीं, एक चीज है ना आपकी, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि रेवती नक्षत्र में पैदा हुआ है तो हाँ रेवती नक्षत्र तो बुध का नक्षत्र है, तो जी मूल का नक्षत्र हो गया ना। बुध का मूल का नहीं, बुध का नक्षत्र हुआ ना सर, वो तो मूल हाँ, नक्षत्र तो हुआ तो नहीं, मूल मूल नक्षत्र जो में ही है वो आता है केतु और वो। बुध के नक्षत्र होते हैं ना, 6 नक्षत्र होते हैं। अच्छा, समझ गई। केतु और बुध के नक्षत्र जो है वो मूल नक्षत्र होते हैं, तो वो मूल नक्षत्र की पूजा हुई उसकी। हाँ, हाँ, वो इसलिए पूजा कराएगी 27 दिन के अंदर। चलिए ठीक उसे है। उसे बोलेंगे कि अमावस्या में पैदा हुआ है सर, अगर वो नहीं, शुक्र। शुक्ल पक्ष में हुआ है तो अमावस्या का कोई मतलब ही नहीं उठता। अमावस्या के दिन का मतलब अमावस्या के दिन पैदा हो, एक आध दिन पहले एक आध दिन एग्जैक्टली, बाद में नहीं लेते अच्छा हैं उससे उसके कोई अंदर, फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं ओके पड़ता, ओके सर। उससे कोई फर्क नहीं। सर इसमें ये जो लिखा है कि द्वितीय तृतीय भाग में जब होता है पिता तथा माता की मृत्यु होती है, तो मतलब लिटरल मीनिंग है मृत्यु, या फिर ऐसा हो सकता है कि वियोग हो सकता है माता पिता के साथ, कुछ ऐसे संजोग बने कि ना रह पाए। नहीं, शास्त्रों में क्या होता है कि लैंग्वेज संस्कृत का श्लोक होता है ना, तो उसको जैसे ही व्याख्या कर देते हैं तो उस हिसाब से हो जाता है, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि माता पिता की मृत्यु हो गई। मतलब यह है कि माता पिता को कष्ट होगा, माता पिता के साथ आप नहीं रह सकते, ये हाँ मतलब जरूर है। मान लो कि बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में रख दिया या हाँ कहीं हाँ पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया, ऐसा हाँ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता यानी है, माता पिता के जो सुख मिलना वो चाहिए नहीं मिलेगा, उससे वंचित हुआ, या उससे अपने वंचित दादा होगा। दादी के या नाना नानी के पास पढ़ाई के लिए रखना पड़ा, बिल्कुल, ऐसा कुछ मतलब इस तरह का कुछ इस तरह का मतलब होगा। आपको लगाना है, अपने आप से ही लगाना है। अब जैसे चौथे भाग में लिखा है मामा का अनिष्ट, तो मामा का अनिष्ट में बहुत चीज हो सकती है। मामा का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, मामा का धन का लॉस हो सकता है, मामा को हाँ, प्रॉब्लम हो सकती है, अनिश मतलब एनीथिंग, बट यहाँ पे एनीथिंग। मृत्यु आई ना, सो हाँ, दैट इसलिए मैंने तो आपको पूछा कि वो मृत्यु इसलिए लगा के मतलब रखो। हम जब किसी को बोलेंगे कि माता पिता की मृत्यु हो जाएगी तो पहले से डर जाएंगे, तो हाँ, इससे अच्छा अब इस तरह से कि है थोड़ा ऐसा हो सकता है, तो उनसे ये ये कहिए भाई, पूजा पिता माता का का अनिष्ट हो सकता है या पिता माता से आपकी वो भाव। असंतान सुख कम हो सकता है, आप इस तरह से आप हाँ, इसे बस बोल वही सकते हैं। वो, यानी दूर रहना पड़ सकता है हाँ आपको उससे इस तरह। जी, सर ये फर्स्ट पार्ट कितने में चालू होगा? सूर्योदय से आप 24 घंटे की तिथि होती है ना, ओके तो 6 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 4 4 घंटे का पार्ट हो गया, तो फर्स्ट पार्ट सूर्योदय से तो पहला पार्ट। सूर्योदय से ही करना है ना, 5:25 क्योंकि जो तिथि जो है भी वो हो, सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलती है ना। उस दिन जब सूर्योदय हुआ उस दिन है ना, हाँ ऑन दैट डे, तो यस, उस दिन को सूर्योदय का जो समय है उसको हाँ, लेके उसको उसको जब उसको दूसरे दिन उसको का सूर्योदय के बीच का जो पार्ट है उसको डिवाइड हम करना है। हाँ उसको। ओके ओके सर, ठीक है, ये इधर वाला हो गया। अच्छा, इसमें बताया गया है कि इसमें जो आपका ये करा जाता है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के लिए, अगर पैदा हो तो कहते हैं कि भगवान शंकर की एक मूर्ति बनवाकर उनके मस्तक पर बाल चंद्र, सफेद माला, श्वेत वस्त्र हो, 3 नेत्र हो, उनके बैल पर सवार दिबाहु हो, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे भगवान शंकर की पूजा अगर आप करेंगे इस तरह की मूर्ति बनवाकर, तो ये बिल्कुल शांति होती है। नीचे ये पूजन विधि दी गई है, ये पूजन विधि तो हम लोगों को, चूंकि आप लोग हम लोग तो आपस में कर नहीं पाएंगे इस चीज को, ब्राह्मण ही कर पाएगा, लेकिन इसके अंदर बता दिया गया है कि इस तरह की पूजा करनी है, इस तरह के मंत्र करने हैं, जो आपकी जानकारी में रहेंगे
तो आप ब्राह्मण से पूछ सकते हैं कि भाई आप किस तरह के मंत्र करोगे इसके अंदर, तो वो बताएगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई वो ठीक बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। ये सब चीजें इसके अंदर होती हैं, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको है। इसके बाद महर्षि पाराशर जी ने कहा कि अगर भाई जातक तथा उसके भाई अथवा माता पिता के जन्म नक्षत्र एक ही हो, ये भी एक वो होता है, तो उसमें भी देखिए एक लिखा हुआ है उनमें से निश्चित एक की मृत्यु होती है। अगर जातक के माता पिता के जन्म नक्षत्र एक ही हो, जातक का भाई, तो मृत्यु एक ही होती है। अब ये मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, यहाँ इन्होंने लिख दिया है अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, यानी जातक का नक्षत्र भी और उनके माता पिता का नक्षत्र भी अगर एक ही है तो उनमें से एक के लिए कष्ट होता है, ये बताया गया है इसके अंदर। और उसकी शांति विधि को भी बताया गया है कि ऐसे केस में क्या करें जब जातक का और उसके पिता माता का नक्षत्र एक ही हो। उसमें क्या गया है कि जन्म नक्षत्र की प्रतिमा बनवा लीजिए, जो भी आपका नक्षत्र है उसकी प्रतिमा होती है, वो प्रतिमा बनाकर कलश के ऊपर रखकर लाल वस्त्र से ढककर दो वस्त्रों से लपेट कर, वेष्टित कर मीन्स के लपेट कर, उस कलश को ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए और उस नक्षत्र के मंत्र से विधि पूर्वक उस कलश का पूजन करें और अग्निमुख करके पुनः उसी मंत्र से घी से हवन करना है 108 की संख्या में। और ऐसे अभिषेक करने से, ब्राह्मण का भोजन कराने से पूर्ण कल्याण होता है, और बिल्कुल कहते हैं कि ये जो दोष है ये एकदम जड़ से खत्म हो जाता है, ये वाला दोष जो इस तरह का दोष होता है, नक्षत्र दोष जो होता है, तो ये ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। सर, ये जो प्रतिमा है मतलब वो कैसा है, जो ये उसका हर जन्म सिंबॉल? नक्षत्र की एक शक्ल दी हुई है, जैसे अश्विनी कुमार अश्विनी नक्षत्र है उसकी, वो देवताओं के वैद्य हैं, तो उनकी भी एक पूजा है, मतलब दो अश्व हैं ऐसे करके है, तो हर किसी नक्षत्र की मूर्ति है, तो वो जानते हैं कि कैसी मूर्ति बनेगी इसकी, उसकी मूर्ति बनवा के कर रहे हैं नक्षत्र की। रेवती नक्षत्र है तो उसका भी एक कुछ एक इमेज है, हर मतलब नक्षत्र का एक जो इमेज जो होती है नक्षत्र की जो इमेज है उसकी मूर्ति बनवानी जी, उसकी मूर्ति बनवा के और फिर उसकी पूजा करनी है जैसे इसके अंदर दिया हुआ है, ऐसे कपड़ों से ढक के और हवन कराना है 108 की संख्या में। तो उससे पिता पुत्र जिनका नक्षत्र एक है या भाई बहन जिनका नक्षत्र एक है, उनका अभिषेक करने के उपरांत आराम से ब्राह्मण को भोजन कराओ और उसके बाद कल्याण होता है, बिल्कुल इसमें कोई, ये सारे जो विधि हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये लिखते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन जो बच्चा जन्म हो, और वो भी दिन का नहीं होता, सूतक काल भी उसमें काउंट नहीं होते, ये मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि सूर्य ग्रहण होने से पहले सूतक काल लग जाते हैं या चंद्र ग्रहण होने से पहले सूतक काल लग जाते हैं, जिस समय सूर्य ग्रहण हो रहा हो जहां आप हैं, ऐसा नहीं कि इंग्लैंड में सूर्य ग्रहण हो रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप ले लेंगे उस चीज को, जहां आप हैं और उस एरिया में सूर्य ग्रहण हो रहा है और उस दौरान बच्चा अगर पैदा हुआ तो वो ग्रहण दोष की शांति करानी होती है, उसको ग्रहण दोष बोलते हैं। चंद्र ग्रहण हो रहा है और वहां अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसको ग्रहण दोष बोलते हैं। तो जो ग्रहण आपको आपके एरिया में है, आपके उसमें है, तभी वो ग्रहण दोष आपको लेना है, ऐसा नहीं कि सूर्य ग्रहण कहीं और हो रहा है और आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप उसको ले लें उस चीज पर। तो सर, हम कुंडली पर से तो नहीं पता चल नहीं नहीं पाएगा ना फिर? जैसे कुंडली से नहीं पता चलेगा, ये तो वो जो माँ बाप है या हाँ, कोई भी है वो वो बताए। हाँ, मतलब उस दिन, अब मान लो उस दिन हाँ कहाँ पे दिखा था, वो तो आपको इंटरनेट से पता चल जाएगा। इंटरनेट से तो मालूम चल जाएगा हमें बिल्कुल। हमें कुंडली में यदि दिखता है कि ग्रहण लग रहा है, सूर्य चंद्र साथ में है, ऐसा कुछ है, तो फिर हमको नेट से कंफर्म करना पड़ेगा नर से कि है, कंफर्म करना चाहिए कि भाई कि देख वो लें। शायद माता पिता को न भी पता हो कि उस दिन कहाँ पे हमें हाँ दिखा था, नहीं दिखा था। आज आज इतने सालों बाद तो न पता चले ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ये वैसे बच्चा पैदा होते ही ये शांति सारी जो चीजें हैं ये बच्चा पैदा होते ही करनी चाहिए, देखा जाए तो, कि जैसी बच्चा पैदा हो अगर सूर्य ग्रहण हो रहा हो तो ये सब चीजें करनी चाहिए। जैसे पंडित के पास क्या होता है, कई बार बच्चा पैदा होता है तो पंडित से कुंडली बनाते हैं, तो योग्य ब्राह्मण की ड्यूटी है कि वो बताए कि भाई सूर्य ग्रहण के टाइम पैदा हुआ है या चंद्र ग्रहण के टाइम ये बच्चा पैदा हुआ है। पहले तो होता था, आज की डेट में कैसे करते हैं ये नहीं इतना आइडिया, लेकिन पहले तो जैसे ही बच्चा पैदा होता था ब्राह्मण से वो उसकी पत्रिका बनवाते थे, तो वो लाल टेवा करके बनाते था, उस टेवा में वो लिख देता था कि भाई ये ग्रहण के दिन हुआ है या फलाने दिन हुआ है, वो बता देता था। आज थोड़ा लोग लेट कर देते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि डेट ऑफ बर्थ टाइम उनके पास है, पत्री बनवा ली बाद में, कोई ध्यान देता नहीं फिर बाद में कि जिस समय पत्री बनी है जिस समय बच्चा पैदा हुआ है ऐसे में सूर्य ग्रहण था या नहीं था, दिमाग से निकल जाती है आदमियों के, सेम डे बनती है तो पता रहता है लोगों को कि हाँ भाई ये सब चीजें हैं। तो वो ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसे केस में जब इस तरह की स्थिति हो
सूर्य चंद्र की स्थिति ऐसी बन रही हो कि आपको लगे कुछ ग्रहण होने के चांसेस हैं, तो आपको देख लेना चाहिए। पूर्णिमा और अमावस्या दो टाइम के ग्रहण होते हैं, राहु केतु का एक्सेस भी आता है उसके अंदर, तो वो खास तौर से देख लेना चाहिए कि ग्रहण तो नहीं पड़ रहा है उस दिन आपके एरिया में। तो उसके लिए उन्होंने लिखा है कि अगर ऐसा हो तो उसकी स्वर्ण की प्रतिमा बनाए, और सूर्य ग्रहण में सूर्य की प्रतिमा तथा चंद्र ग्रहण में चांदी की चंद्र प्रतिमा बनाकर शीशे से राहु की प्रतिमा बनानी चाहिए। ये बनाएंगे तो, क्योंकि राहु केतु का रोल भी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में होता है, नॉर्थ नोड साउथ नोड, क्योंकि चंद्र ग्रहण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो चक्कर जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो ऑर्बिट है, तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगा रहा है, तो चंद्रमा उस ऑर्बिट को काटता है। तो जहां दिन दो पॉइंट्स पे काटता है, वो पॉइंट्स आपके नॉर्थ नोड और साउथ नोड कहलाते हैं, जिनको हम लोग राहु केतु बोलते हैं। तो राहु केतु का भी एक प्लेन में आना जरूरी होता है जब नक्षत्र चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है। तो राहु भी, या तो राहु एक प्लेन में आएगा, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी राहु, या केतु एक प्लेन में आएगा, तब जाके ग्रहण होता है। तो ये एक चीज ध्यान देने वाली है कि ऐसे ग्रहण दोष के अंदर भी पूजा करानी चाहिए। और अगर सूर्य चंद्रमा साथ हो, या सूर्य चंद्रमा पूर्णमासी का टाइम हो, बिल्कुल अलग अलग हो, तो एक बार चेक कर लेना चाहिए, जैसे शर्मा जी ने बताया नेट से, कि कहीं उस दिन ग्रहण दोष तो नहीं है। सर, अब ये वो जो कहते हैं, प्रतिमा हाँ, बनानी है, बना के रखनी है या पूजा के टाइम ही बस यूज करना है? पूजा के टाइम यूज करना है उसको। अच्छा, मैं फिर हाँ वो बोलो। प्रतिमा का क्या करेगा? पूजा हो गई फिर उसको विसर्जित कर देंगे? हाँ, विसर्जित कर दीजिए, अगर आपकी वो सामर्थ्य है तो विसर्जित कर दीजिए उसको, क्योंकि स्वर्ण प्रतिमा बनाना या चांदी की प्रतिमा बनाना, तो अब उसमें तो यही है ना कि स्वर्ण, स्वर्ण प्रतिमा थोड़ी बना पाए, हाँ, महंगी सूर्य ग्रहण में स्वर्ण की सूर्य प्रतिमा, लेकिन वो होती बहुत छोटी सी है, मतलब ऐसा नहीं होता कि बड़ी प्रतिमा बनानी है, बहुत जरा सी जाएगी। प्रतिमा होती है। एक अंगूठी लेने जाओगे तब भी सर कितनी हाँ, कॉस्टली तब भी वो कॉस्टली तो बनती है, लेकिन अब ये नक्षत्र ग्रहण दोष होता है, काफी गहरा दोष होता है ग्रहण दोष। सोने का पानी चढ़ाते हैं ऐसे, वो सब कर देंगे ना? हाँ, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। सबके उपाय तो हैं, कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनके उपाय तो हैं, लेकिन बताया गया शास्त्रों में यही है कि ग्रहण दोष पे ऐसा करना चाहिए, ये अच्छा रहता है। नहीं तो स्वर्ण की पानी चढ़वा के एक मूर्ति बनवा लो, ठीक है वो चल जाएगा, चांदी का पानी चढ़वा के मूर्ति बनवा लो, उससे कर लो, कोई कर लो काम, तो वो हो जाएगा। आप कहते हैं, वो कहते हैं कि एक त्रितर जन्म दोष होता है, वो कहते हैं किसी के तीन पुत्र हो उसके पश्चात कन्या हो, या तीन कन्या हो उसके पश्चात पुत्र हो, तो ऐसे में भी पिता माता को कष्ट होता है, या पिता माता के जो कुल में अनिष्ट होता है, तो उस दोष के लिए भी पूजा करनी चाहिए। और इसके लिए किसी भी शुभ दिन में धान की ढेरी पर चार कलश स्थापन करके चारों क्रम से ब्रह्मा विष्णु शंकर और इंद्र की पूजा करनी चाहिए, उससे इस दोष की शांति हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि भाई बच्चा जो पैदा हुआ है वो तीन पुत्र के बाद पैदा हुआ है, कन्या, या कन्या पुत्र पैदा हुआ है तो तीन कन्या के बाद हुई है, तो वो भी एक जन्म त्रितर दोष है जिसको भी शांति करानी आवश्यक है। सर्प श्राप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु अगर पंचम भाव में हो और मंगल द्वारा ग्रस्त हो, तो सर्प श्राप के कारण मनुष्य पुत्रहीन होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीजें लिखी हैं पुत्रहीन के बारे में, मैंने यहाँ दो श्लोकों का अर्थ दिया हुआ है। पुत्रहीन, पुत्रहीन का मतलब ये हुआ कि संतानहीन नहीं, पुत्रहीन का मतलब हुआ कि पुत्र नहीं होता, उस पुत्री ही होती है। तो अगर सर्प श्राप हो, राहु पंचम भाव में बैठा हो और मंगल से ग्रस्त हो, तो ऐसे इंसान के पुत्र पैदा नहीं होता, अगर होगा तो पुत्री ही पैदा होंगी, सर्प श्राप माना जाता है। कहते हैं पंचमेश राहु एवं शनि से युत हो, पंचमेश यानी पंचमे भाव का स्वामी राहु और शनि से साथ हो, और पंचम भावस शनि पर चंद्र की दृष्टि हो, तो भी सर्प श्राप के कारण मनुष्य पुत्रहीन होता है। तो ऐसे में सर्प की प्रतिमा बनाकर पूजा करनी चाहिए। अगर सर्प की बनी प्रतिमा बनाकर मिट्टी की बना लीजिए, जैसे मर्जी बना लीजिए, या चांदी की मूर्ति बनवा लीजिए सर्प की, उसको बना के पूजा करेंगे तो ये दोष हट जाता है और पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन सर शनि ही पंचमेश होता। नहीं, कैसे, यदि पंचमेश राहु एवं शनि से युत हो, नहीं, यहाँ पे आपने क्या लिखा? पंचमेश राहु एवं शनि से, मतलब मतलब दोनों पांचवे का लॉर्ड ग्रह। राहु के साथ हो और नहीं शनि के नहीं साथ अब हो। मान लो कि पांचवे का लॉर्ड खुद शनि है, तो हाँ, तो वो जैसे आएगा ना फिर, कन्या राहु लग्न, फिर वो राहु से आएगा, अगर राहु तो से युत फिर हो। और राहु उसके साथ हो, हाँ, मतलब राहु राहु से, की दृष्टि हो, या सब यस, राहु युत हो, युत लिखा हुआ है इसका, दृष्टि का नहीं लिखा हुआ। मतलब हाँ दृष्टि नहीं है। तो हाँ, मान लो कि राहु शनि दोनों
दोनों की युति बन रही हो हाँ तो फिर, और शनि पंचमेश हो तो भी ये लगेगा। तो भी लगेगा, और पंचम भाव में जो शनि है उस पर चंद्र की दृष्टि है। यस हाँ मतलब शनि पंचम भाव में हो तब चंद्र की दृष्टि आए, तो तब ये दोष श्री किसी लगेगा, भाव में शनि पे चंद्र की दृष्टि का नहीं वो नहीं है, वो नहीं है। तो है। ओके यही श्लोक है। तो इस प्रकार ग्रह योग से संतानहीनता समझकर शांति करनी चाहिए, नागराज की पूजा बना करनी चाहिए, ग्रह पद्धति के अनुसार स्वर्ण की या चंद्रमा की नाग चांदी की एक नाग प्रतिमा बनाकर विधान पूर्वक पूजा करके भूमि दान, गोदान, तिल का दान या सोने का दान, जैसी भी आपकी आर्थिक स्थिति है, वो करने से, नागराज की कृपा करने से मनुष्य को पुत्र प्राप्त होता है और कुल की वृद्धि होती है, ऐसा बताया गया शास्त्रों में। तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। बल्कि हमारे पास एक IAS थे, उनकी पत्रिका आई थी तो वो जिक्र कर रहे थे, मुझे ध्यान पड़ता है करीब 1 साल या 1.5 साल पहले की बात है। तो वो बोल रहे थे जी मेरे 3 लड़कियां हैं, कोई पुत्र नहीं है। तो हमने उन्हें कुंडली देखी, तो कुंडली देख के हमने उन्हें बताया कि साहब बिल्कुल यही योग बन रहा था कि राहु पंचम भाव में था, मंगल की दृष्टि में। हमने कहा साहब पितृ श्राप है और ये सब चीजें हैं, तो इसमें ऐसा करना पड़ेगा तो आपकी संतान हो सकती है, पुत्र संतान। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उन्होंने ये किया, ये मेरे ख्याल से 2 सवा 2 साल की बात हो गई, और उनके पुत्र हुआ इस चीज को करने से। पुत्र हुआ, उनका बकायदा मैसेज आया कि साहब ऐसे से उस योग को करने से पुत्र हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंस है इन योगों की, ऐसा नहीं है कि ये मतलब मंत्र देख लिया फिर कर। अक्सर क्या होता है कि हम लोगों को अच्छा लगता है ऐसे उपाय कि भैया दाल ले ले, चावल ले ले, 2 मुट्ठी मिला ले, पानी में बहा दे, ये उपाय हम जो इधर लाइक करते हैं। ये कोई उपाय बताएगा आपको तो लगेगा कि किसी ने कोई उपाय बताया आपको, ऐसा नहीं है। मंत्रों की शक्ति, पूजा की शक्ति, ये शक्ति ऐसी है कि इनके आगे ऐसे उपाय कुछ नहीं होते। ये सबसे इंपॉर्टेंट उपाय हैं, यंत्र हैं, मंत्र हैं, रत्न हैं, ऐसे उपाय करने चाहिए आपको। ऐसे उपाय आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आता है पितृश्राप। पितृश्राप के कारण भी कई बार किसी किसी घर में संतान होती नहीं है, वहां तो पुत्र ना होने की बात थी सर्प श्राप के कारण, लेकिन पितृश्राप के कारण संतान ही नहीं होती। अब पितृश्राप कैसे बनता है? सूर्य अपनी नीच राशि में पंचम भाव में स्थित हो, सूर्य यानी तुला राशि में पंचम भाव में बैठा है और शनि के नवांश में हो तथा पाप कत्री योग में हो, तो पितृ श्राप माना जाता है। जो लोग हम लोग कह देते हैं ना कि पितृ दोष है जी, पितृ दोष है, वो ऐसे ही बोल देते हैं हम लोग, पितृ दोष ये है बेसिकली, ये पितृ श्राप होता है। उसी कुंडली को देख के हम लोग बोलते हैं सूर्य राहु साथ बैठे हैं तो जी पितृ दोष है, या सूर्य केतु साथ बैठे हैं तो बोल देते हैं कि पितृ दोष है। वो पता नहीं कौन सा पितृ दोष बोलते हैं, लेकिन पितृ श्राप, पितृ दोष का शास्त्रों में कहीं कोई वर्णन नहीं है, पितृ श्राप का शास्त्रों में वर्णन है। और पितृ श्राप के यही श्लोक दिए गए हैं जिनका श्लोक मैं आपको लेकर आया हूँ आपके सामने, वही पितृ श्लोक है। श्राप ही, श्राप ही जो है आपका पितृ दोष है। बिल्कुल, पितृ श्राप ही पितृ दोष होना वही है। तो सूर्य अपनी नीच राशि में पंचम भाव में स्थित हो, शनि के नवांश में हो, ये कुंडली में देख लेना चाहिए आपको, ऐसी चीज तो है नहीं है। 4-5 श्लोक हैं, 4-5 इनके अंदर ये नियम है, ये आप चेक कर लोगे कुंडली में तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जब किसी आप ऐसे बच्चे की कुंडली बना रहे हो जो पैदा हुआ है, तो उस केस में तो जरूर ध्यान देनी चाहिए ये सब चीजें, ताकि जो हो वो शांति करा दो उसके अंदर। बाद में भी पितृ दोष मिले तो शांति करा देनी चाहिए, कि पितृ दोष तो बाद में भी करा सकते हैं आप शांति। गया में जाके शांति होती है इसकी, गया में जाइए, गया में जाके पितृ शांत करिए, उसके बाद आपको श्राद्ध मनाने की भी आवश्यकता नहीं है और अपना आराम से शांति हो जाए। तो सूर्य अपनी नीच राशि में हो, पंचम भाव में स्थित हो, शनि के नवांश में हो, पाप कत्री योग में हो, तो पितृ श्राप के कारण संतानहीनता होती है। सूर्य यदि पंचमेश होकर, यदि पांचवें भाव का स्वामी होकर किसी त्रिकोण में पाप ग्रह के साथ बैठा हो और पाप कत्री योग में भी हो, पाप ग्रह से ग्रस्त हो, तो भी पितृ श्राप के कारण संतानहीनता होती है। और बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो, बृहस्पति सिंह राशि में हो और पंचमेश सूर्य से युत हो, साथ ही लग्न तथा पंचम भाव में पाप ग्रह हो, तो पितृ श्राप लगता है और उसके कारण भी संतानहीनता होती है। ये जो मैंने आपको श्लोक दिए हैं, ये सारे पितृ श्राप के मैंने आपको बताए हुए हैं, जो इसके अलावा पितृ श्राप कुछ नहीं होता। ये 7-8 पॉइंट हैं, इन 7-8 पॉइंट पर नजर डाल लीजिए, अपने पास PDF आपके पास पहुंचेगा, लिख के रखे होंगे, इन पर जस्ट नजर डाल लीजिए कि ऐसा है तो नहीं। वैसे बड़ी मुश्किल से मिलेगा, मिलेगा तो आपको शांति 100% करानी पड़ेगी।
मंगल दशमेश होकर पंचमेश से युक्त हो, पाप ग्रह लगन पंचम दशम भाव में स्थित हो, तो पितृ श्राप के कारण संतानहीनता हो। लग्न में पंचम भाव में सूर्य मंगल तथा शनि हो, अष्टम भाव तथा द्वादश भाव में राहु बृहस्पति हो, तो पितृ श्राप के कारण संतानहीनता हो। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे केस में उन्होंने बताया है, ये भी पितृ श्राप के कुछ नियम हैं, इनको देख लीजिएगा। और इनकी शांति के लिए बताया गया है कि गया में श्राद्ध करना चाहिए। गया बहुत इंपॉर्टेंट जगह है बिहार में, बोध गया, वहां जाके श्राद्ध कर लेना चाहिए। यथाशक्ति असंख्य अथवा 1,000 ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी कन्या का विवाह एवं गोदान करना चाहिए। देखा जाए तो ऐसा बताया गया है, इतना ज्यादा। लेकिन फिर भी आप असंख्य ब्राह्मण को या 1,000 ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते, तो 11 ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार। और किस कन्या के विवाह में तो हम लोग अक्सर कन्यादान देते ही हैं, किसी के विवाह में जाते हैं तो कुछ कुछ पैसे देते ही हैं हम, तो वो कर देते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है, ये सर, शांति मिल जाती है। 1,000 ब्राह्मणों को एक ही बार में कराना है या हम 11 11 11 करके कई बार करा नहीं, सकते? 1,000 को तो 1,000 ब्राह्मण तो मिलेंगे नहीं आपको। जी अब जी इसीलिए तो पूछा। हाँ, अब तो मतलब हमर श्यामल जी जैसे रह गए हैं, अब कहाँ से लाओगे ढूंढे आप तो 1,000 ब्राह्मण मिलने मुश्किल है। पर फिर भी ये पहले होता था कि अक्सर ऐसे तीर्थ स्थलों पे इतना होते थे, लोग मिल जाते थे। गया वगैरह में पता नहीं, अभी भी 100 200 ब्राह्मण तो इकट्ठे 1 मिनट में हो जाएंगे, इतने ब्राह्मण वहां घूमते रहते हैं। जी तो 1,000 नहीं करा सको, तो उसके लिए ये है कि 11 ब्राह्मणों को करा दो, 11 ब्राह्मणों को भोजन करा के, और किसी भी कन्या के विवाह में आप कुछ ना कुछ दान तो देते ही हो, जाते हो तो हमेशा कुछ ना कुछ दान देकर आते ही हो, तो वो जी कर देते हैं तो आपको शांति मिल जाती है। तो इन उपायों को करने से पितृ श्राप से मुक्ति मिलती है और मनुष्य को पुत्र पौत्रादि या जो भी पुत्री वगैरह है वो प्राप्त होती है। हाँ सर, गया जी वाला फॉर्मूला बिल्कुल फिट है ये सर, मैं एक्सपीरियंस्ड है, बिल्कुल मेरे बिल्कुल। ऊपर गुजरा है ना, ये मेरे ऊपर गुजरा है। अब बिल्कुल सही परिणाम मिला है सर, गया जी जाके पूरा करके आए थे पापा, और उसके बाद हाँ ही तुरंत रिजल्ट मिला है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका तो गया जी का तो मतलब इतना ज्यादा माना जाता है पितृ श्राप के अंदर, तो जो हाँ पितृ जी दोष होता है, आपको कुंडली में कोई हाँ पंडित जी बोलता है जी पितृ दोष है जी पितृ श्राप है जी, आप चक्कर में पड़ोगे मत, आप गया जाओ, बस। बस आप गया जाके कर लो उसको, तो सारी शांति हो जाएगी। क्योंकि पितृ दोष से केवल चल संतान नहीं, सर, और बाकी चीजें भी बहुत सारी हो जाती यहाँ है। गुजरात लोगों में भी है, गुजरात में नर्मदा, यहाँ पे चानौद करके गांव है, नर्मदा है नर्मदा नदी, किनारे, वहां भी होगा, बिल्कुल होगा, बहुत ऐसे बहुत कुरुक्षेत्र वो में भी है। रेगुलर कार्तिक जैसे शुरू होता है वो संदेश, हाँ मतलब दिवाली के बाद जो आता है, तो फिर वो वहां पे ये पूजा सब करवाते हैं, और होता मतलब ये उसी के लिए जाना जाता है, वो गांव ही पूरा ऐसा है, हाँ सब ब्राह्मण वगैरह पूजा पाठ कर्म करना जो भी करते हैं वो लोग सब वहां पे रहते हैं। तो चाणौद जो है यहाँ पे, जैसे आप वहां गया है वैसे यहाँ पे गुजरात में चाणौद करनाली करके गांव है, जहाँ पे मतलब वो 3 नदियां मिलती है यहाँ, तो वो संगम है 3 नदियों नदी का, तो फिर इसलिए यहाँ पे भी गुजरात में भी होता है। नहीं होगा, बिल्कुल होगा 100%, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, वामन पुराण में उसका भी दिया हुआ है। लेकिन शास्त्रों में जो वर्णित किया गया है वो यही किया गया है कि गया में श्राद्ध करना चाहिए। अब हो सकता है कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर थे या श्राद्ध बने हमारे, तो नालंदा बिहार में थी, गया बिहार में था, इसीलिए उन्होंने गया शब्द का प्रयोग कर दिया, ठीक है ना। वैसे हाँ वैसे नर्मदा को बहुत पवित्र पवित्र मानते मानते, हैं पवित्र ना, हाँ, मानते। इसलिए हाँ नर्मदा रिवर जो है वो रिवर ही बहुत पवित्र है, बहुत जैसे पवित्र गंगा रिवर है। जी है वैसे हाँ नर्मदा जी को मानते हैं बिल्कुल बिल्कुल ना, बिल्कुल और बिल्कुल इसीलिए वहां पे करते हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही सर होता है। लेकिन हाँ सर पंडित लोग ये कहते हाँ हैं ये हरिद्वार हरिद्वार या गंगा जी के किनारे करने के बजाय गया जी, जरूर गया जी करना चाहिए, इतना हाँ मतलब इफेक्ट नहीं होता नहीं, वो श्यामल ये जी की मन। बात ठीक है, क्योंकि यहाँ के इस तरफ के लोग जो नॉर्थ साइड के लोग हैं उनको थोड़ा सा गया के बारे में मालूम होता है। हो सकता है कि गुजरात साइड में जो है वहाँ प्रचलन इस चीज का हो कि वहां जाके पूजा करें, वहां के पंडित लोग उनको ये बताते हो कि आप वहां जाके पितृ दोष की शांति करिए, ऐसा नहीं, होता दोनों जगह होगा। का बताता है, गया जी का भी बताते हैं अच्छा और नर्मदा भी चढ़ता है, और वहां पे बहुत मतलब ये जैसे मान लो कि आप वहां पे जैसे गया जी में पूजा के लिए एक अलग पूरा वो बना होता है, और वहां पे हाँ सब सब जो फैसिलिटीज वगैरह वहां पे उस तरह से है, वैसा ही यहाँ पे मैं मां हाँ कि यही चीज वो पूरा गांव या जो भी है वो इसी चीज के लिए, और जो आपने बोला ना ब्राह्मण वहां मिल जाएंगे वैसे ही चारों में मिल जाएंगे आपको, हाँ आपको जो जो ब्राह्मण को
दान करना है, खाना वगैरह जो भी करना है, भोजन करवाना है, वो सब यहाँ पे होते हैं और मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल वर्तमान में अभी जो है वो महत्व जो है, प्रथम है गया जी, दूसरा पुष्कर और तीसरा जो है नैमिषारण्य, जो शास्त्र में आया है। बाकी अभी वहां का गुजरात का आया नहीं कहीं, शास्त्र में मतलब तीन आप वहां पे जगह इतना नहीं होगा, और यहाँ पे गुजरात में अब देखो जैसे जो जो एरिया है उस हिसाब से चलेगा, तो यहाँ के जी। लोगों को वहां आना इतना वो नहीं होता होगा, तो यहाँ पे चलता है। और जैसे अभी इन्होंने बताया कि उन्होंने किया और फर्क पड़ा, वैसे ही मैंने करवाया था तो जी पूरा उसका असर, और मैंने अपनी आंख से देखा है, मैंने जी जी खुदरे एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जी जो बिल्कुल। पितृ लेकिन तर्पण वगैरह करते शास्त्र हैं। में जो आया है ना, वो गया जी, पुष्कर और नैमिषारण्य, ये तीन बताए गए हैं। फर्स्ट में है गया जी, दूसरे में है पुष्कर और तीसरे में है नैमिषारण्य। लेकिन इसमें क्या हाँ होता होता होगा, नहीं वो है ठीक है। हाँ कि लेकिन आजकल आजकल श्यामा जी इतनी दुनिया इतनी छोटी हो गई है, उस जमाने में नहीं, तो खड़ा हाँ रहता अभी था जाना ऐसा तो वो जाना नहीं बहुत है, सिंपल है। लेकिन यहाँ हाँ पे होता है ऐसा मेरा हाँ कहना है। नहीं है, कुरुक्षेत्र में भी है, हम भी गए थे कुरुक्षेत्र में, वहां भी हम लोग करके आए थे, वो उसका भी दिया हुआ है। ऐसा नहीं है, होता है अपना अपना जगह पे। अच्छा दूसरी चीज ये बोली गई है इसमें कि जब अंतर दशा चेंज हो, पितंतर दशा नहीं, खास तौर से शनि में बुध की दशा हो और शनि में सूर्य की दशा हो, तो थोड़ा ध्यान देना है। शनि में बुध की दशा हो तो ग्रीन मूंग की दाल को डोनेशन कीजिए, शनि में सूर्य की दशा हो तो आदित्य हृदय स्रोत कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य नमस्कार कीजिए या गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। ये आपको चाहे एक्सिस ठीक हो अंतर्दशानाथ का, दशानाथ का या ना हो, उससे लेना देना नहीं है। शनि में सूर्य की दशा और शनि में बुध की दशा में ये बताया गया कि ये आपको सर करना ही है। सर एक क्वेश्चन है, लास्ट टाइम मैंने पूछा था कि पितृ दोष जो होता है वो क्या लड़कियों की कुंडली में भी होता है, और अगर होता है तो फिर उसे कैसे लिया जाता है सर? क्योंकि पितृ दोष तो होता है कि अगर किसी के पूर्वज को किसी ने कष्ट पहुंचाया है तो वही पितृ दोष होता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल तो लड़कियों की कुंडली में भी होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो उसको फिर कैसे लिया जाता है, क्योंकि उनकी तो शादी दूसरे घर में हो जाती है। श्रीकांत जी बताइए। कारण ये है, अगर मान लिया शादी नहीं हुई है तब तो उनके माता पिता ही करेंगे, उसका दोष का निवारण हो जाएगा। और अगर शादी होती है तो गोत्र चेंज होता है, तो फिर पति या उनके जो ससुर होंगे वो करेंगे। होता सभी के पत्रियों में पितृ दोष है, ऐसा नहीं नहीं हाँ होता, लेकिन करने का शादी से पहले माता पिता का अधिकार है, उसके बाद पति का। तो अगर मेरी कुंडली में मान लीजिए दोष है तो अगर मेरे पति करेंगे तो उसका फल मुझे मिलेगा, अच्छा यस, फल? ओके बिल्कुल शादी के बाद आपको मिलेगा। अच्छा उसके बाद सर। एक श्रीकांत जी आए तो वो विधि का भी पूछ लेना कौन सा वाला विधि पूछ है, लेना मैं वो जानता नहीं अपने पहले। वो नहीं मिला था ना आपको, वो आगे नहीं हमने उस टाइम पे बोला नहीं, पूछा था कि श्रीकांत जी आए कि नहीं आए, तब वो आगे आगे सेकंड या थर्ड उस पे था ना, तो एक आपको एक विधि नहीं मिला था, हाँ सर कृष्ण पक्ष बोला जी था, आपने बोला था ना वो श्रीकांत जी से पूछे, एक सेकंड एक सेकंड। आगे इससे आगे। हाँ ये वाला कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का। अच्छा। हाँ इसके लिए कैसी श्रीकांत जी कैसी वो होती है चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी में अगर कोई हो बच्चा तो उसके लिए कैसी शांति पूजन करते हैं? क्योंकि उसमें लिखा देखा देखा दोष के समनार शांति पूजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि कौन सा मंत्र करना चाहिए क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ आइडिया है आपको? हेलो जी सर, क्या थोड़ा और? हेलो आवाज आ रही है आपको? जी, बताएं क्या। हाँ ये क्वेश्चन ये था कि एक विधान है शास्त्रों में कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी शांति के लिए पूजा करनी चाहिए, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के लिए। शुक्ल पक्ष हो, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी हो या कृष्ण पक्ष की, दोनों शिव से संबंधित है, प्रदोष काल होता है, इसको प्रदोष माना जाता है, तो शिव की दशमी की जाती तो पूजा किसकी होती है? उनकी, कृष्ण की पूजा होती है, नहीं, भगवान शिव की, क्योंकि भगवान शिव की। चतुर्दशी अच्छा स्वामी जो है भगवान शिव जी अच्छा 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 भगवान शिव की पूजा होती है। जी हाँ, चाहे शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अच्छा शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के लिए भी ऐसा है, क्योंकि बृहत पाराशर में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिया है, हो सकता है
शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का भी ऐसा हो तो आप लोग नोट कर लीजिए कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी हो या कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी हो तो इस तरह की पूजा करा सकते हैं भगवान शिव की। तो प्रदोष माना जाता है, 14 जो होती है वो भगवान शिव से ही संबंधित है, उसके स्वामी भगवान शिव है। हाँ अच्छा, अब इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कभी ये अजमा के देखना कि आंखों में अगर कोई समस्या हो किसी के, या आंख कमजोर हो या कोई समस्या हो, तो चक्षुपनिषद, चक्षुपनिषद के नाम से स्रोत है, गूगल पे मिल जाएगा आपको, वो कर लीजिए, आंख की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है। और ये एक नहीं, मैंने कई लोगों को बताया, ये करके दिखेगा। ये कुछ चीज मैंने आपको इसमें अलग से लिखी है, इससे पहले कि रुद्राक्ष वगैरह पढ़ाएं, उससे पहले मैं कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपके मन में आने चाहिए थे, बाय चांस नहीं आए, तो मैंने कहा मैं क्लियर कर देता हूँ। कुछ चीजें जो मेरे मन में आ रही है मैं बता देता हूँ आपको। सर ये कहाँ से मिलेगा, इस तौर पर मिल जाएगा? हाँ, गूगल पे अवेलेबल है एकदम, आप लग करके सर देखिए यूट्यूब लगातार। यूट्यूब पे भी है, मैंने चेक कर लिया है, हाँ, यूट्यूब यूट्यूब पे पे भी बहुत सारे अवेलेबल है। वीडियो है, थ्री हाँ, ये करिए मिनट्स सर। का है, 3 मिनट्स यस, का है। ये करिए और ये करके आप देखिए, खुद आपको मालूम पड़ जाएगा 45 दिन के अंदर कितना फर्क पड़ा है। बहुत अच्छा है, आंख की कोई भी समस्या है वो खत्म हो जाती है इससे। नित्य कर्म पूजा प्रकाश आती है, उसमें दिया हुआ है। उसमें दिया हाँ हुआ है। वो लास्ट टाइम सर ने बताया था, वो बुक वही बुक ना। हाँ, वही बुक, सर उसमें भी दिया हुआ है, नहीं तो गूगल या यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। इसी लोग 1 महीने कटी है, कुछ लोग नहीं हाँ, दीपाली बोल रही है। आवाज कट रही है। मैं आवाज कट रही है मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही। ऋतु जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज आ रही है सर? थोड़ा नजदीक आके बोलिए हेलो, शायद आवाज आवाज चलिए। आप कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो आप व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद, ओके नेट में कोई प्रॉब्लम होगी शायद घर से। ठीक है, अच्छा दूसरा ये बोला गया है कि शनि की महादशा हो और किसी मैलेफिक प्लेनेट की अंतर्दशा हो, कोई भी मैलेफिक प्लेनेट, शनि हो, केतु हो, सूर्य हो, मंगल हो, राहु हो, तो वो हमेशा प्रॉब्लम कॉज करती, प्रॉब्लम देती है, वॉट एवर बी द एक्सिस और द पोजिशन। ये आपको मैं वो चीज बता रहा हूं कि जिनके अंदर आपको एक्सिस नहीं देखना है। नॉर्मली हमने आपको वही चीज बताई पीछे पूजा के लिए, सब चीजों के लिए, जहां पे महादशा अंतरदशा का एक्सिस 6-8 का था, या महादशा नाथ से अंतरदशा नाथ 6-8-12 भाव में बैठा हुआ, या लगन से 6-8-12 भाव में बैठा हुआ। लेकिन इसके अलावा भी वो भले ही 6-8-12 भाव में ना बैठा हो, शनि की महादशा हो और उसमें किसी भी पाप ग्रह की अंतरदशा हो, शुभ ग्रह की नहीं, जो नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह हैं उनकी अंतरदशा हो, तो डोनेशन जरूर करना चाहिए उससे संबंधित। ये तो तो आप हर आंख एक मीच के बोल दशा दीजिए। में सर, जैसे हाँ शनि में शनि, केतु मतलब बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बोल दीजिए उसको कि भैया डोनेशन करो इसके अंदर, हाँ शनि की नहीं, महादशा। मतलब शनि की महादशा, चले शनि में शनि है, फिर हाँ शनि में केतु है, मान लो बिल्कुल फिर केतु है, फिर बिल्कुल, सूर्य है, हाँ मंगल है, तो बिल्कुल, हर एक टाइम पे करना है। हर एक टाइम पे करना है, हर एक टाइम पे करना है, हर दशा में करना है, शनि में शनि पांच की बार अंतर्दशा हो, शनि में केतु की अंतर्दशा हो। हाँ, क्योंकि जो 5 ग्रह हैं वही आपके मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, उनकी दशा में आपने करना ही करना है हर हालत, ये तो आप बता ही दीजिए। नेचुरल नेचुरल, नॉट फंक्शनल, राइट? हाँ, नेचुरल, नेचुरल, जैसे जैसे चंद्र चंद्रबुद्ध गुरु कभी शुक्र आपको मैनिफेस्ट नहीं होता लेने। है। हाँ, हाँ चंद्रबुद्ध गुरु शुक्र आपको नहीं लेने, बाकी आपको लेने, तो कुछ भी डोनेशन, जो भी डोनेशन उस ग्रह के हिसाब से बताई गई है, पीछे आपको लिखवाई गई अच्छा है ना, ठीक ठीक वो वाले ठीक डोनेशन को लिया। मतलब अंतरदशा लॉर्ड का डोनेशन करना वैसा हुआ बस ना बस बस। अच्छा, मार्स की दशा? अंतर्दशा। सर हाँ दशा से मुझे एक क्वेश्चन ध्यान आया, मैंने हाँ अपने ननिहाल की तरफ देखा है, आप लोग भी चेक करिएगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि मेरे घर में जितने भी भाई बहन या मामा मौसी हैं उनकी दशाएं आपस में काफी लिंक्ड हैं। मतलब अगर मेरी राहु की दशा आई है तो मेरे कजन की भी राहु की दशा चल रही है या आने वाली है, या जुपिटर की, मतलब मुझे नहीं पता, पर ये मैंने बड़ा देखा कि जितने भी मेरे कजन्स थे उनकी हाँ दशा आपस में हम लोग की काफी मिलती जुलती थी। तो ये संयोग है कि ऐसा होता है कि आप नहीं, अगर ऐसा होता भी है। और भावार्थ रत्नाकर में एक श्लोक है, जो भावार्थ रत्नाकर में मारक खंड दिया गया है, उसमें एक श्लोक दिया हुआ है कि अगर
एक घर के अंदर ही पिता और दो पुत्र हैं, उन सबकी राहु की दशा चल रही हो, तो कहते हैं कि पिता की मृत्यु हो। अच्छा हाँ, ये बोलते हैं कि पिता की मृत्यु हो, ऐसा भावार्थ रत्नाकर में श्लोक दिया गया है। तो इसका मतलब ये चीज पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि संजोग है, पॉसिबल है, तभी वो श्लोक बना। तो अच्छा ये भी ध्यान देना चाहिए कि एक घर में अगर तीन लोग हैं तो तीनों की राहु दशा तो निचल रही है, ओके तो उसमें सावधान कर दीजिए घर के मुखिया को कि भैया आप सावधान रहिए, थोड़ा ध्यान रखिए अपना। क्योंकि सर और मेरा मेरा और मेरे भाई की दशाएं अभी तो राहु की खैर चली गई, लेकिन हम दोनों की दशाएं ऐसी थी कि हम दोनों की दशाएं एक्चुअली में मेरी अभी जुपिटर 3-4 साल पहले स्टार्ट हुई है, उसकी अभी स्टार्ट हुई है, आगे पीछे ही चल रही है हमारी सारी दशाएं। राहु हाँ की दशा भी हमारी 1-2 साल आगे पीछे ही चली है ठीक है, जी। वो ये ऐसा नहीं। अंतरदशा प्रत्यंतर हो रहा होगी कोई नहीं सी नहीं मैं महादशा। सिर्फ अंतर दशा नहीं, मैं प्रॉपर दशा की बात कर रही हूँ, महादशा। तो ये ध्यान रखना चाहिए, ये वाला तो है क्वांटिटी वाला इसके अंदर। ऐसी स्थिति में मार केस बनाता है तो महामृत्युंजय का जाप करवाना चाहिए। अगर 2-3 दशा एक ही घर में चल रही हो तो फिर महामृत्युंजय का जाप करवाना चाहिए। मतलब राहु की या कोई भी ऐसी कॉमन दशा आप बता कॉमन नहीं, अगर रहे हैं, मार एक ही केस प्लेनेट चल की रही हो, दशा। मान लिया राहु की या शनि अच्छा की, और मार घर की, में ओके चल रही। ओके अच्छा, तब महामृत्युंजय करवा लेना चाहिए ऐसा था। जी जी कराया अच्छा, है हम लोग ने, महामृत्युंजय कराया हुआ है मंगल की अंतरदशा में, जी। जैसे ऊपर हमने दिया है ना कि शनि में मंगल की अंतरदशा हो या शनि में सूर्य की हो, तो कहते तो यह है कि बैल का दान करो, लेकिन अब बैल तो दान करने से रहे, इसमें आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है लोगों की, तो इंस्टेड ऑफ मसूर की दाल, जो लाल मसूर की दाल होती है, उसका दान आप कर सकते हैं। तो वही मतलब कहने का है, जो दान आपने करना है वो ग्रह से संबंधित, जो अंतरदशा चल रही है उस ग्रह से संबंधित दान आपने करना है, अगर शनि में किसी मैलेफिक प्लैनेट की अंतरदशा चल रही है। तो ये तो बिल्कुल है कि छाग और ऑक्स डोनेशन, क्योंकि शास्त्रों में दिया हुआ है कि बकरे का दान करो या बैल का दान करो, ये प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है आज की डेट में। हालांकि इधर तो नहीं, बट बिहार साइड में तो अभी भी बलि वगैरह चढ़ती है इन चीजों की, ये सब कुछ है ऐसा कुछ करके। तो ऐसे केस में आप तो अदर रिलेटेड डोनेशन जो हैं, फूड आइटम्स हैं, क्लोथ्स हैं, महामृत्युंजय जाप है, प्लेनेट के मंत्र हैं, वो करना चाहिए जहां पे कि आप ये छाग दान ना कर सकें या ऑक्स डोनेशन वगैरह ना कर सकें। फिर एक सवाल होता है कि क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि कपिला गाय और कृष्णा गाय, ऐसा करके भी लिखा हुआ है कि कपिला गाय दान करो या कृष्णा गाय दान करो, या इस तरह से कुछ लिखा होता है, तो उसके बारे में यही देखा गया है कि कपिला गाय जो होती है वो बेसिकली कपिल ऋषि से संबंधित आ रही है, दोनों हालांकि एक ही उसकी होती है काऊ, मतलब आप पहचान नहीं सकते कि ये कपिला है या कृष्णा काऊ है। जो कपिल ऋषि हुआ करते थे उनके पास जो गाय होती थी उनसे जो गाय चली है, वो सारे जो बच्चे पैदा हुए हैं वो कपिला माने गए हैं, और कृष्णा काऊ एक अलग वो मानी गई है, जो भगवान श्री कृष्ण के पास रहती थी उनके हिसाब से वो मानी गई है। तो कपिल और कृष्णा दोनों गाय के बारे में लिखा है, तो आप इसमें मतलब वो ना करें, कंफ्यूज ना करें, गाय कोई भी हो सेम है, मतलब आप ये मत सोचें कि जहां पे कपिल गाय लिखा है तो आप कपिल गाय ढूंढने लग जाए, या कृष्णा गाय लिखा है तो कृष्णा गाय ढूंढने लग जाए, वो करने की जरूरत नहीं है। देयर आर मेनी रेमिडीज स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल डोनेशन टू हैवी डोनेशन टू लेंथी पूजास, विच वन इज टू बी यूज इन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। देखिए, स्मॉल डोनेशन यूज कीजिए स्मॉलर प्रॉब्लम के लिए, यूज स्मॉल डोनेशन फॉर स्मॉलर प्रॉब्लम, बिगर डोनेशन एंड पूजा फॉर बिगर प्रॉब्लम। ए प्लैनेट, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट पोस्टेड इन 6, 8, 12 कैन बी, काम चल जाएगा डोनेशन से, बट इफ द सेम प्लैनेट बिकम एफ्लिक्टेड, डेबिलिटेड, कम्बस्ट इन एनिमी साइट, उस केस में तो भैया आपको जाप कराना पड़ेगा, बहुत बड़ी पूजा करानी ही पड़ेगी। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अब आपके मन में ये सवाल आता है कि जी कब हम रेमेडी छोटी वाली करा लें, कब बड़ी करा लें, तो उसका भी एक नियम है कि छोटी पूजा, छोटा आपका वो है तो रेमेडी छोटी कर लीजिए, दान कर लीजिए, मंत्र कर लीजिए, और बड़ी पूजा है तो जाप आपको कराना पड़ेगा, अगर बड़ी रेमेडी कोई बड़ी ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिस, और बड़ी छोटी का तो वही इसके अंदर दिखा दिया कि भाई स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, 6, 8, 12 में है तो ठीक है आप उसका दान कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वही प्लेनेट फिर आपका अफ्लिक्टेड भी हो गया, अस्त भी हो गया, कम्बस्ट डेबिलिटेड नीच राशि में भी हो गया, तो फिर तो उसके लिए आपको जाप कराना, जाप ही कराना चाहिए उस केस में, दान वान से थोड़ा बचे तो अच्छा है, नहीं करा सकते तो फिर तो करा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
हाउ डू वी रिसाइट महामृत्युंजय मंत्र एट होम, तो वो तो दिया हुआ है, आप जानते ही हैं सब, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धिनम, ये मंत्र आप सब जानते हैं, ये महामृत्युंजय मंत्र है जो आप घर पे बैठे कर सकते हैं और चाहे तो किसी योग्य ब्राह्मण से करा सकते हैं। अगर हालांकि जो फुल महामृत्युंजय मंत्र होता है वो दूसरा वाला है जो नीचे दिया गया है, ओम होम जुसे ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे, ये वाला फुल महामृत्युंजय मंत्र होता है। ये शायद जब ब्राह्मण करते होंगे तो ये शायद करते हों, क्यों श्रीकांत जी ऐसा है कि जो ब्राह्मण वगैरह करते हैं वो ओम त्र्यंबकम यजामहे ही करते हैं या फुल वाला मंत्र करते हैं? ये हाँ, तो ये बोलते पूरे वाला होता है। यस हाँ होते यस 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 फुल मंत्र होता है। ठीक है, तो ये है, मतलब मैं आपसे यही कहना चाह रहा था बार बार कि महामृत्युंजय जाप वगैरह है, ये सब चीजें हैं, ये कोशिश करें, आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ठीक है, नहीं तो किसी योग्य ब्राह्मण से कराएं, क्योंकि इसमें मंत्र वगैरह थोड़ा लंबे हैं। अब छोटा मंत्र हम लोगों को बताया हुआ है ओम त्र्यंबकम यजामहे, कर सकते हैं आप वो भी, बट जब ब्राह्मण करते हैं तो वो पूरा मंत्र करते हैं महामृत्युंजय का। सर। यस हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, लेट गुड जॉइन मॉर्निंग। किया सर। इसमें जो मंत्र है ना, जो ये महामृत्युंजय, तो ब्राह्मण भी सर जो है ना, वो बीज मंत्र छोटे वाला है, तो हाँ, कई ब्राह्मण वही करते हैं। गलत है अगर ऐसा करते हैं तो। ये नेट मेरा कमजोर है श्यामल जी, आपका कमजोर है, हाँ, क्योंकि आवाज उनकी आपकी ठीक आवाज से नहीं आ आ रही। रही है। आवाज नहीं आ रही मैं है। तो बोला ही नहीं है सर, वो श्रीकांत जी बोल नहीं, रहे ये हैं। श्रीकांत अच्छा जी, श्रीकांत जी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ शायद कहीं बाहर बैठे हैं इसी जगह। हाँ श्रीकांत जी, अब मतलब बोलिए। उनको उनको बोलना है कि बड़े वाला पूरा मंत्री करो, अगर करवाना हाँ, है तो। बड़े वाला मंत्र पूरा करवाना है, जब करवाना ही, अदरवाइज योग ब्राह्मण को आप दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो उससे कहो कि पूरा मंत्र करे। अब ये तो जल्दबाजी करने के लिए, एक सवाल आप निपटाने के लिए फटाफट कर देते हैं, उसमें क्या पता चलता है आदमी को, तो बड़ा सर महामृत्युंजय जाप अगर, सर इसमें होता क्या है कि जो जो जातक है उसको तो इतना पता नॉलेज नहीं होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल इसलिए वो जो भी जो करवाने वाले होते हैं वो एकदम प्रोफेशनल वे से अप्रोच रखते हैं, जल्दी खत्म कर दिया, पैसा ले लिया, उसको क्या पता चलने वाला है। नहीं, वो तो है, लेकिन फिर भी मतलब हर तरह के ब्राह्मण होते हैं, इसलिए बार बार जो है वो योग्य ब्राह्मण दिखाया जाता है। कि अब ये देखिए, ये तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी में विश्वास करना पड़ेगा, या तो कुछ ऐसा हो कि भाई जिनको आप जानते हो, जिनका आपने सुना हो, नाम है उनका, वो करते हैं अच्छे तरीके से, उनके रिजल्ट्स हैं तो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे लोग 15-20% होते हैं जो बदमाशी करते हैं, वो होंगे, लेकिन 15-20% होते हैं जिनके वजह से पूरा नाम खराब होता है लोगों का। अच्छे करने वाले भी हैं लोग, मंत्र पूरा करने वाले जाप है, आप उनको बोल दीजिए सवाल आप करेंगे, वो सवाल आप करेंगे जबकि आप देख भी न रहे हैं उनको, वो अपने घर वहां चलो बैठ के पंडितों से करा रहे हैं। चलो सर, वैसे आज के समय में कंसंट्रेशन हाँ सब लोगों का बहुत ही कम है, राइट? अगर हम लोग खुद भी करें तो हमारा मन 10 सेकंड के बाद कहीं और चला जाता है, बिल्कुल बिल्कुल तो कोई और ब्राह्मण अगर मेरे बिहाफ पे कर रहा है तो बट ऑब्वियसली वो पता नहीं वहां बैठ के क्या सोच रहा है। 99% ऑफ द मतलब चांसेस यही है कि वो कुछ और ही सोच रहा होगा, राइट? नहीं, उस सोचने वाली बात तो ठीक है बिल्कुल। देखिए ऐसा होता है कि मंत्रों की ना अपना एक वाइब्रेशन होता है, अगर आप मंत्र करते हैं चाहे आप खुद ही करते हैं, ठीक है आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, ऐसा नहीं है कि मंत्र का फायदा आपको नहीं मिलेगा। भले ही आपका ध्यान जा रहा है कि यार मुझे सब्जी लेके आनी थी, मुझे तो दूध लेके आना है, क्योंकि वो वाइब्रेशंस आपने पैदा कर दिए बोल के उस एटमोस्फेयर में, और वाइब्रेशंस का ही सारा खेल है ये। आप फुल कंसंट्रेशन से तो कर ही नहीं सकते, कौन करेगा, वो तो बहुत बड़ा योगी है वही कर पाएगा। करेक्ट तो वो आपको केवल ये है कि आपने वाइब्रेशंस ऐसा पैदा कर दिए हैं बोलने से, आपको मन में थोड़ी ना करना है कि ओम त्र्यंबकम यजामहे, मन में कर रहे हो बैठे हुए आप, उससे क्या वाइब्रेशंस पैदा होंगे, आपको बोल के करना है सर, तभी अगर कर सकते। यूट्यूब पे, सर अगर यूट्यूब पे चला देते हैं उसको रिपीट उसमें, हाँ हाँ तो सर वो काम करेगा? वो काम करेगा, क्योंकि वो बोल रहा है, आप उसके बात को सुन रहे हो, आप उस चीज को पूरा लेकिन पकड़ेगा, वो काम करता है। लेकिन लेकिन सर अच्छा मैंने हाँ मैंने बोलो। कहीं सुना है कि कोई तो पंडित जी थे वो बोल रहे थे कि भाई तुम खुद खुद बोल लो, वो ज्यादा बेहतर है रेदर देन कि तुम यूट्यूब से सुन रहे हो।
नहीं देखिए अगर वो बोल ही तो नहीं सकते, कर ही नहीं सकते तो वो अलग बात है, लेकिन बेटर यही होता है कि आप खुद कर रहे हो या किसी से करवा रहे हो, मतलब वो थ्रू माउथ हो आपके रेदर देन यू। वो तो बात है ही पक्की, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। किसी ब्राह्मण के थ्रू हो तो बेस्ट है, नहीं तो अपने आप कर लो तो भी बढ़िया है। अब मान लिया इंसान अपने आप भी नहीं कर पाता उसका, या कोई प्रॉब्लम है, या वो नहीं समझ पाता चीज को, तो कम से कम यूट्यूब पर सुन ले, कुछ तो फायदा होगा उसको, जी वो वाली चीज है इसके अंदर। अच्छा दूसरा लिखा है इसके अंदर प्रश्न है, कैन महामंत्र महामृत्युंजय जाप बी डन फॉर एनी मैलेफिक प्लेनेट? तो इसके बारे में आंसर है शास्त्रों में, यस बिकॉज लॉर्ड शिवा इज गॉड ऑफ टाइम, और अंतरदशा जो है वो भी लॉर्ड इज जो होता है वो भी आल्सो टाइम का ही लॉर्ड होता है, इसलिए महामृत्युंजय जाप तो किसी भी चीज में आप कर सकते हैं, कोई ऐसी वाली बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। महामृत्युंजय जाप तो आप कभी भी कर सकते हैं, बहुत हाँ बढ़िया आपने मंत्र। बताया था पहले भी, तो हाँ आपने बताया था ये। यस। अच्छा अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, उसके लिए मंत्र आता है कि क्या मंत्र करे वो, तो इसके नीचे जो मंत्र दिया गया है वो मंत्र करता है, लेकिन बच्चा करेगा कैसे इसको, अब ये सोचने वाली बात है। ये थोड़ा बड़े बच्चे के लिए तो अपने आप से बोल सकता है थोड़ा, नहीं तो दुर्गा के 32 नाम होते हैं माँ दुर्गा के, उन 32 नामों को पढ़ लिया जाए तो हो जाता है, या किसी ब्राह्मण के थ्रू करवा दिया जाए। तो पढ़ाई में ध्यान लगता है, और पढ़ाई में से बच्चे का जो विमुख हो गया है वो चीज हट जाती है। तो इसलिए नमस्ते शारदे देवी कश्मीर पूर्वासिनी त्वं प्रपद्ये नित्यं विद्या देहि च देहि मे, तो इसमें इसका इंग्लिश का मीनिंग भी लिखा हुआ है कि सैल्यूटेशन टू यू ओ शारदा ओ गॉडेस ओ मन गुरेज जय कश्मीर आई प्रे टू यू डेली, ऐसे करके लिखा होता है, या गणेश जी का मंत्र ओम गण गणपति नमः, ये करें तो स्टडी के अंदर मन लगना शुरू हो जाता है। कभी भी कोई बच्चा हो, नॉर्मली तो छोटे बच्चे तो थोड़ा शैतान होते हैं, लेकिन उम्र ऐसी हो जब बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ता हो 11वीं क्लास में पढ़ता हो और पढ़ाई ना कर पा रहा हो, तो उसके लिए ये जरूर करा देना चाहिए, ये अच्छा रहे। अगर वो नहीं सम ध्यान लगता, अगर खुद कर ले, समझदार है और वो जानता है कि मेरा ध्यान नहीं लगता तो खुद कर ले तो बेस्ट है, नहीं तो किसी से करवा दीजिए वो बढ़िया रहता है। होम टू प्रे टू अवॉइड प्रॉब्लम्स इन कंबाइंड फैमिली बिजनेस, अगर किसी के फैमिली बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कंबाइंड फैमिली बिजनेस है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। कोई आपके पास आता है कि जी हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सबसे बढ़िया पाठ होता है। सर, अगर वो बिजनेस उसका अपना ही अकेला हो और कोई नहीं है तो भी तो भी कोई, उसे ये। हाँ अच्छा तो भी उसको यही करना चाहिए। कोर्ट ठीक है सर। केस के लिए क्या करना चाहिए, कोर्ट केस के लिए, क्योंकि हनुमान जी के पास सब चीज का इलाज था, लक्ष्मण जी बेहोश हुए तो हनुमान जी ने ही लाके संजीवनी बूटी उनको ठीक करवाया, यानी हनुमान जी पे सब चीज का इलाज है। अगर आप कोर्ट केस आपका चल रहा है और कोर्ट केस की आपको सोचते हैं कि आपके पक्ष में आ जाए, तो उसके लिए हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट केस जो होता है वो छठे भाव से कनेक्टेड होता है, और उसका दाता ग्रह मार्स होता है, स्थिर कारक छठे भाव का, तो हुज लॉर्ड इज हनुमान जी, तो आल्सो प्लेनेट कनेक्टेड विद सिक्स कैन बी वर्शिप, ये वर्शिप करेंगे तो कोर्ट केस जीतने की उम्मीद होती है, अगर हनुमान जी की पूजा आप करते हो। अब अगर दोनों ने करना चालू कर दिया तो क्या हो, क्यों श्यामल जी? तो वो भी ये देखने वाली बात है, बट कोर्ट वैसे केस शनि भी बन तो जाएगा पहले होगा। छठे का हाँ शनि भी होगा ना, अगर तब भी तो हनुमान जी विष्णु नहीं नहीं का। तो सर शनि जो के जो सर जो अपराधी होगा उसे सजा मिलेगी फिर, और जो सही होगा उसे उसका। उसे छुटकारा मिले, बिल्कुल ठीक बात है, एकदम सही बात, शनि शनि है तो शनि न्याय करेगा बिल्कुल बिल्कुल। ना। अच्छा अब इसमें यह दिया हुआ है कि व्हाट मंत्रा इज रिकमेंडेड फॉर गेटिंग ए हस्बैंड और ब्राइड, मतलब किसी की शादी नहीं हो रही है, उसको लड़की है वो कहती कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है, आप पत्रिका देख रहे हो योग बनते भी हैं लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, या किसी को वाइफ नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए भी मंत्र दिए गए हैं, तो वो मंत्र वो करें, उनको बता सकते हैं आप कि भाई अगर आपकी शादी नहीं हुई है, डिले मैरिज किसी की हो गई है, आपको लग रहा है डिले मैरिज है इसकी, कुंडली के अंदर देख रहे हैं आप कि तीसरा भाव आठवां भाव पीड़ित है, या नवांश कुंडली के लग्न में वो राशि है जो D1 चार्ट के 6, 8, 12 भाव की राशि है, या नवांश कुंडली का 7th भाव या 5वां भाव, बहुत सॉरी D1 चार्ट का 7वां भाव या 5वां भाव पीड़ित है, तो क्योंकि 5वां भाव जो होता है वो सगाई का भाव होता है, एंगेजमेंट का भाव होता है, अगर वही पीड़ित होगा तो शादी कहाँ से हो, डिले हो मैरिज हो रही है, तो ऐसे केस में उनके लिए भी मंत्र हैं जहाँ डिले मैरिज हो रही हो, कि अगर वाइफ चाहिए तो क्या मंत्र है, हस्बैंड चाहिए तो क्या मंत्र, ये मंत्र पत्नी के लिए, ये मंत्र है पत्नी मनोरमाम देही,
करके और गेटिंग ए हस्बैंड कात्यानी महामहेन्द्रयांद्रीश्वरी नंद गोपाल सुधु देवी पति ते नमः, ये वाला मंत्र करना चाहिए। कोई आदमी फॉरेन कंट्री जाता है लेकिन उसको प्रॉब्लम बहुत आती है, बार बार उसे हिंड्रेंस आती है, तो सूर्य का जाप कर ले। कई बार क्या होता है कि वीजा नहीं लग पाता कई लोगों का। सर, ये मंत्र के कितने कितने जाप करना चाहिए? 108, 108 जाप करें तो आपको 100% काम बन जाता है। एक माला तो करनी चाहिए, एक माला करने में कोई ज्यादा देर नहीं लगती इसके। मतलब डेली करना है या एक डेली बार? डेली डेली एटलीस्ट 45 डेज। देखिए हर मंत्र के अंदर ये 45 डेज का तो पंडा लिखा हुआ है कि डेली एटलीस्ट 45 डेज तो आपको करना है। सर, ये एप्लीकेबल उन पे भी है जो डिवोर्सी हैं? अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छा पत्नी चाहिए पति चाहिए तो वो करें इस चीज के लिए। और सर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच जब डिस्प्यूट हुआ हो तब भी हाँ करें ये? हाँ हाँ बिल्कुल करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है करने में, ये बहुत फायदा देता है। आचार्य जी हैं आप चले गए? जो ये सभी में प्रयोग होता है, ये ऐसा हाँ नहीं है कि शादी मान लिया नहीं हुई है तो करने के लिए, रिलेशन में है आप तब भी, डिवोर्स हो गया है तो, पति अगर डेड हो गई है तो, किसी में भी प्रयोग किया। अगर दोबारा चाहते हैं आप कि शादी हमें करना है तो कुछ सर, सर मेरा एक क्वेश्चन है, शादी की बात आई तो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहली शादी जो है वो अनसक्सेसफुल हो जाती है और सेकंड मैरिज भी करना चाहते हैं लेकिन दिख नहीं रहा होता है कि उनकी सेकंड मैरिज होगी, तो ऐसे केस में क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहना, मतलब उस तरह का कोई रिलेशनशिप, मतलब वो उसे कैसे लिया जाएगा? वो शादी तो हुई नहीं, आप साथ में हैं देखिए और वो शादी, सक्सेस। हाँ अब नॉर्मल क्या है ना कि आज की देशकाल परिस्थिति के हिसाब से अगर आप साथ में हैं तो भी एक तरह से शादी मानी जाती है। अगर आपका अफेयर भी है ना, जी जो जो आपके वो वाले योग दिए गए हैं शास्त्रों में कि बहुपत्नी विवाह या बहुपत्नी योग, पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में तो ये सब चीज अलाउड थी आपको कि आप एक से ज्यादा शादी कर सकते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो जो बने हुए हैं वो योग जबके बने हुए हैं कि भाई अगर कुंडली के अंदर ये योग होगा तो बहुपत्नी आपका बहु विवाह होगा, आपके दो से ज्यादा पत्नी होगी। लेकिन आज की डेट में हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत आप कर नहीं सकते ये काम, तो आपके एक पत्नी तो है, आप दूसरी पत्नी नहीं कर सकते आप। लेकिन दूसरी से अगर अफेयर भी चल रहा है आपका तो ये भी आपका द्विपत्नी योग बन गया एक तरीके से। अच्छा जी बिल्कुल, अगर शारीरिक संबंध आपका बनता है, हाँ ये पत्नी से ही सिर्फ बनता है। आज के समय में जो चल रहा है ये तो बहुत घृणित है। पहले जो समय था वो सिर्फ पत्नी से ही व्यक्ति का संबंध बनता था, और आज अगर ऐसा हो रहा है तो मान लीजिए कि आपकी पत्नी है, अगर कहीं दूसरी जगह आपका संबंध है तो दो विवाह के योग नहीं, आपका दो विवाह हो चुका। अच्छा जी कुछ लोग ब्राह्मणों के पास ही चले जाते हैं कि पंडित जी पत्री में दो विवाह आप बताए थे, हुआ नहीं। उनका रिलेशन चल रहा होता, एक तो पति से होता, दूसरा जो है गुप्त में चल रहा होता, फिर कहते पंडित जी आप बताए थे, हुआ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, होता है। सर, ये जो क्वेश्चन योग मैंने पत्री में दिखते हैं वो सारे होते हैं। सर ये क्वेश्चन मैंने पूछा इसलिए कि मेरी जानकारी में एक व्यक्ति है जिसने जिसकी पहली शादी टूटी, दूसरी शादी भी सक्सेसफुल नहीं हुई बहुत, और तीसरी शादी में वो लिव इन रिलेशनशिप में है, बच्चा भी है, वो काफी सुखी है। ये तो उनकी गड़बड़ी थी, उनको पत्री दिखवाना चाहिए था। अगर पहली में गड़बड़ी हुई थी तो दूसरी करने से पहले उन्हें पत्री देखना चाहिए था, गड़बड़ी कहाँ है, ये उनकी गलती है, अच्छा उनके पत्री में ही कोई दोष है फिर। जी, क्योंकि अभी तो उनके लिव इन रिलेशन में ही है, बच्चे भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, माता पिता पहले अगेंस्ट थे हाँ लेकिन बाद में तो सब कुछ सुख है तो सब अच्छा है। वो बहुपत्नी विवाह योगी कहलाएगा, ऐसा कोई नहीं अच्छा करता। और बहुत हिम्मत वाला कहलाएगा, हाँ, पराक्रम वाला भाव भी उसका मजबूत होना बहुत मजबूत चाहिए। होगा। हाँ चलिए आज यहाँ तक करते हैं, फिर अगले क्लास में रुद्राक्ष पढ़ेंगे हम लोग, और संडे का समय है, आप लोग भी थोड़ा एंजॉय कीजिए, बाहर जाइए घूमिए फिरिए, छुट्टी का दिन।